सो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीख चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ रखे हो, तो हम लोग क्विकली इसको रिकॉल करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, फिर फर्दर जो है ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा और बीच बीच में कुछ नई चीज़ें आप सीखते चलोगे। तो पहला 1 से 2 क्लास जो है वो बेसिक्स ही रहेगा, अभी पहला 2-3 वीडियो लेक्चर। तो एनी वे, फर्स्ट वन क्या कर रहा है तुमको? कह रहा है जो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस आप क्विकली निकाल सकते हो। तो ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा 3 - 3 0 स्क्वायर, देन -5 - 4 स्क्वायर, डेट इज़ 9, ठीक है? अब और सेकेंड वन, मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए कॉस अल्फ़ा एंड ए साइन अल्फ़ा। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकल के आएगा? तो ए डिफरेंस ऑफ एबसीस, इन दोनों का डिफरेंस। तो ए कॉस अल्फ़ा माइनस 0 स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ 0 स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ रखा है आपने, ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए, ठीक है? सिमिलरली वीडियो पॉज करके आप लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ क्विकली मुझे इसका क्या आंसर आया तुम्हें, ठीक है? थर्ड वन, ठीक है? तो ट्राई कर लिया तुम लोगों ने? ओके, तो तुम लोगों का आंसर ऐसा आना चाहिए था 2a mod of sin alpha minus beta by 2। ये आंसर आया तुम लोगों का? ओके, नहीं आया तो देखो अब यहाँ जिन बच्चों का नहीं आया है, तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही मैंने लगाया तो यहाँ पर आया ए स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ऑफ होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा होल स्क्वायर। अब इसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिकल मैनिपुलेशन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर में मॉड ऑफ ए आ गया। इसको जब तुम ओपन करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट, या इसको कॉस सी माइनस कॉस डी पे ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा 2 sin of alpha plus beta by 2 into साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 cos of alpha plus beta by 2 into साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो देखो अगर तुम एंगल यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो बाहर माइनस आएगा, होल स्क्वायर उसे प्लस कर देगा। तो मैं यहाँ से 2 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास आया 4 sin स्क्वायर। स्क्वायर है इसलिए एंगल से तुमने माइनस कॉमन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी वाइज ये एंगल और ये एंगल सेम है, आइडेंटिटी से ये 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो 2a और स्क्वायर रूट से ये बाहर आएगा तो मॉड लगेगा, तो मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया आंसर, ठीक है? फर्दर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। अब जैसे तुमको क्या कहा है, इफ़ द पॉइंट x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6, -1 and 2, 3 यू हैव टू प्रूव डैट x - y = 3। तो देखो ये भी डिस्टेंस फार्मूला का ही छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या कर रहा है यहाँ पर? ए और बी प्लेन में 2 पॉइंट है एंड दिस इज रफ डायग्राम। ए मान लो 6, -1 है एंड बी ले लो 2, 3 और ये पॉइंट पी ले लो x, y। तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, सो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। वाट इज़ पी ए स्क्वायर?
इट इज एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, इट इज एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देन वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. सिंप्लीफाई करो, देखो 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 24, 8 कॉमन ले लो, x माइनस y इक्वल्स टू 3 बचा. ठीक है, तो इस तरह का मैथमेटिकल रिलेशन भी पूछ सकते हैं. अब और डिस्टेंस फार्मूला से अगला टाइप का क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है, जैसे तुम्हें 3 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिया, ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3. तुमको पूछा प्रूव डेट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन में लाई कर रहा है. तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो एंड ए सी निकाल लो. अगर दो डिस्टेंस का सम, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आया तो कोलिनियर है. हालांकि कोलिनियर प्रूफ करने के 3-4 तरीके हैं, उनमें से ये पहला तरीका है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. और भी आगे चल के बहुत सारे तरीके मिलेंगे, फिलहाल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन रिकॉल कर रहे हैं. तो अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो ये प्रूफ करना सफिशियंट है, जो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब यहाँ देख रहे हो माइनस साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी सी इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस ही है ये इफेक्टिवली घुमा फिरा के. ठीक है, अब आओ, ये भी क्लास 10th में पढ़ रखा होगा. अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिया हो, ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3, तो तुम्हें ये पता करना है जो उस ट्राइंगल का स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर मतलब कब ये आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, कब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है, तो आइसोसेलस ट्राइंगल प्रूफ करना है. आइसोसेलस ट्राइंगल अगर प्रूफ करना है तो कोई दो साइड इक्वल प्रूफ कर दो, इधर ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, या बी सी इक्वल्स टू ए सी. कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये आइसोसेलस है. अब तुमको कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर प्रूफ करना है तो ऑल साइड लेंथ आर इक्वल, मतलब ए से बी का डिस्टेंस निकालो साइड लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से, ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो. अगर ये तीनों लेंथ इक्वल आ गया तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, मतलब पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल करना है. तो दो तीनों डिस्टेंस निकाल चुका है तुम, ए बी ए सी बी सी निकाल चुके हो. अगर कोई भी दो डिस्टेंस उठाया उसके स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आया तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर है, कोई एक बेस है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल फुलफिल कर रहा है. वही यहाँ लिखा गया है, इन दैट केस प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. ठीक है, अगला अगर कहा राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल, तो राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल अगर प्रूफ करना है तो उस केस में क्या प्रूफ कर दो, कोई भी दो साइड इक्वल, और जो दो साइड इक्वल है उसके स्क्वायर का सम तीसरे बचे हुए थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए. एंड स्केलिन ट्रायंगल तुम्हें पता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारे के सारे साइड्स अनइक्वल होने चाहिए. गॉट इट, तो दिस गिव्स यू आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल. तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इस तरह से ट्रायंगल के नेचर पकड़ सकते हैं. तो अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. ये कॉलम मैच है, जैसे ये पहला क्वेश्चन,
ट्रायंगल का वर्टाइसेस दे दिया। अब तुम्हें ये पता करना है जो ये इक्विलैटरल है कि एसोसेलस है कि राइट एंगल है कि कोलिनियर है, जो भी होगा उसके साथ मैच कर देना। अगर मान लो कोलिनियर आया तो कोलिनियर से टाई कर देना। तो ऐसे करके चेक करो, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कर लिया ट्राई? तो देखो, पहला एसोसेलस आ रहा होगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा होगा, तीसरा कोलिनियर आ रहा होगा और चौथा इक्विलैटरल आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो मैच कर लिया आंसर अपना? नहीं किया है और कहीं गड़बड़ किया है तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन मैच करा लो। अब आओ यहाँ, अगर तुम्हें 4 वर्टाइसेस प्रोवाइड कर दिया, AX1, Y1, BX2, Y2, CX3, Y3, अब तुम्हें इस चारों पॉइंट का नेचर बताना है, ये क्या स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है। ये भी तुम ऑलरेडी क्लास 10th में सीख चुके हो। क्या करना, यहाँ से तुम साइड लेंथ AB कैलकुलेट कर लेना डिस्टेंस फार्मूला से, BC कैलकुलेट कर लेना, CD कैलकुलेट कर लेना, AD कैलकुलेट कर लेना एंड डायगोनल लेंथ ऑल्सो, AC एंड BD कैलकुलेट करके रख लेना रफ में। अब देखो, अगर स्क्वायर हुआ तो ऑल 4 sides आर इक्वल एंड diagonals आर ऑल्सो इक्वल। रॉम्बस हुआ तो ऑल 4 sides आर इक्वल बट diagonals आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल हुआ तो देखो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा स्क्वायर एंड रॉम्बस में। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड यानी ABCD के इक्वल आएगा और diagonals इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पर अगर ABCD के इक्वल आ गया, BCAD के इक्वल आ गया एंड diagonals इक्वल आ गया तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से पैरेललोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो डिस्टेंस फार्मूला से पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई करना है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals आर अनइक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals आर नॉट इक्वल। ट्रेपेजियम, तो 2 sides आर पैरेलल एंड अदर पैरेलल के लिए स्लोप का यूज़ करना होगा। फिलहाल ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर तो तुम्हें मालूम है, इस तरह का सेप है, 2 sides पैरेलल और 2 sides अनपैरेलल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो तुम्हें बोला जो A 0, -1 है, B 6, -7 है, C -2, -3 है, D λ, -3 है और ये चारों पॉइंट मिलके एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है ABCD। ये बोल दिया रेक्टेंगल ही है तो यहाँ जो अननोन D है ये कैलकुलेट कर लो। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे बताना है तो D में जो अननोन लैम्डा है ये बताना है। तो ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी लगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पे लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई। इक्वेट इधर से भी देख लिया, इस साइड से भी क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो इधर से चेक किया तो लैम्डा 8 और -12 आया, इधर से चेक किया तो 4 और 8 आया, तो दोनों में कॉमन 8 आ रहा है तो फाइनल आंसर 8 बोलना है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं आता तो आंसर 5 हो जाता वहाँ पर। ठीक है, 5 इन द सेंस फिर इन पॉइंट से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अपोजिट साइड्स का स्ट्रक्चर देखा, AB = CD, AC = BD, दोनों से देखा लैम्डा का कॉमन वैल्यू जो आया वही आंसर है। अब आओ, यू हैव गिवन 4 points, 4 points प्रोवाइडेड है और तुम्हें प्रूफ करना है जो ये रॉम्बस है बट रेक्टेंगल नहीं है। तो रॉम्बस वाला कंडीशंस देखो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। रॉम्बस का कंडीशंस क्या होता है? रॉम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल।
तो सारे साइड्स इक्वल आ गए डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आया। अब आओ यहाँ अगला पॉइंट। अगला देखो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे एक ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना, तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और बोल दिया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेना, पहले समझो कहना क्या चाह रहे हैं, ये तुम्हारा टाइम बचाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिजल्ट्स रटना मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तुम्हारे कैलकुलेशन को इन्हेंस करेगा। तो ये वर्टेक्स है x1 y1, ये x2 y2 है, तुम्हें थर्ड वर्टेक्स xy का कोऑर्डिनेट निकालना है। मीन्स दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर दो वर्टेक्स दिया है, मुझे तीसरा अननोन वर्टेक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो पहला तरीका लॉन्ग मेथड है, जो तुम 9th-10th में पढ़ लिया है, बट अब वो आउटडेटेड कर दो उसे। बेसिक मेथड वही है बट आउटडेटेड इसलिए बोल रहे हैं, जो मुझे उससे एक रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट को अगर हम याद रखते हैं तो मेरा काम चुटकियों में हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये 3, √3 है, ये 0, 0 है, अननोन मान लिया मैंने x, y। बेसिक मेथड क्या कहता है, AB = BC = AC करो। भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगा, तो मैंने AB² = BC² किया, BC² = AC² किया। ऐसा करने से मुझे एक्स और वाई में मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया। तो मैंने जैसे ही AB² = BC² किया, तो क्या कैलकुलेट हुआ देखो, तो AB यानी 3² + √3² BC x² + y², तो x² + y² = 9 + 3 = 12। ये एक रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। नाउ अप्लाई BC² = AC² BC² = x² + y² AC² = x - 3² + y - √3² तो देखो अब यहाँ x² + y² = x² - 6x + y² - √3y और हेयर इट इज 9 + 3 = 12। तो x² + y² की वैल्यू 12 है, तो ये तो कैंसिल हो गई, या इसे सिंपली कैंसिल कर दो। तो तुम्हारे पास बचा क्या, 6x + 2√3y = 12। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3x + √3y = 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो। तो जैसे ही तुमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो तुम्हारे पास क्या मिलेगा। ठीक है, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। x² y की जगह मैंने रख दिया 4 - √3y / 3, वाई की जगह 4 - √3, मैं वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो y का वैल्यू 4 - 3x / √3, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म में क्वाड्रेटिक आया, उसका रूट्स निकालना आता है तुम्हें,
तो उसका रूट्स फार्मूला से निकाल लेना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए करके, एक्स आ गया तो वाई आ जाएगा, यानी थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। तो देखो ये कितना कैलकुलेटिव और लेंदी है बच्चे, ठीक है। बट इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक जनरल रिजल्ट डेराइव किया गया है, और ये जनरल रिजल्ट स्ट्रिक्टली वैलिड है जब ट्राइंगल इक्विलैटरल हो, बाकी और किसी ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कह क्या रहा है रिजल्ट, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है और मुझे इसका दो वर्टाइसेज दे दिया है, तो तीसरा वर्टेक्स का फॉर्मूला, तीसरा वर्टेक्स एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू यहाँ लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू, फिर लिखोगे माइनस प्लस रूट थ्री वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टू। बोलोगे ये प्लस माइनस क्यों, तो अभी अभी तुमने देखा है एक्स का क्वाड्रेटिक आया था और उसके दो वैल्यू आएंगे, एक पॉइंट यहाँ एक और यहाँ कहीं पॉसिबल है जो आपस में मिल के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा होगा। तो एक्स ये आया तो वाई के लिए क्या यूज करोगे, तो वाई वन प्लस वाई टू, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस यूज करना, रूट थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू। अब इस एग्जांपल से देखो, ये लिया मैंने जीरो जीरो, ये लिया मैंने थ्री कॉमा रूट थ्री, तो लगा दिया फॉर्मूला, एक्स कितना आएगा, जीरो प्लस थ्री माइनस प्लस रूट थ्री, जीरो माइनस ऑफ रूट थ्री अपॉन टू। वाई कितना आएगा, तो रूट थ्री प्लस जीरो प्लस माइनस रूट थ्री, एक्स टू माइनस एक्स वन, जीरो माइनस थ्री अपॉन टू। सिंप्लीफाई करो, ये थ्री ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस थ्री अपॉन टू, एंड वाई कितना हो जाएगा, रूट थ्री माइनस प्लस थ्री रूट थ्री बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से प्लस तो सिक्स, एंड एक आया तुम्हारा ज़ीरो, दूसरा कितना आया, रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, डैट इज़ माइनस टू रूट थ्री, माइनस ऑफ रूट थ्री, दूसरा कितना आया टू रूट थ्री। तो दो पॉइंट आए, एक ये और दूसरा ये, तो सिक्स कॉमा माइनस रूट थ्री एंड ज़ीरो कॉमा टू रूट थ्री। तो ये फार्मूला याद रखने से तुम थर्ड वर्टेक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो, अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में ट्राइंगल का नेचर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पर ऐसा बोल दिया जो इफ यू हैव गिवन टू वर्टाइसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल, तो राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल का अगर दो वर्टेक्स प्रोवाइड कर दिया और तुम्हें थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो बेसिक वाला लॉजिक लगाओगे, दो साइड इक्वल, फिर दो इक्वल साइड के स्क्वायर का सम, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर, और आपस में सॉल्व करोगे, उससे आ तो जाएगा। अदरवाइज अभी तुमने जो फार्मूला पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, इस फार्मूला से रूट थ्री हटा दो, ऐसा करने से थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, एक्स के लिए
एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस प्लस रूट थ्री हटा दिया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टू, वाई विल बी वाई वन प्लस वाई टू प्लस माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टू. दिस गिव्स यू थर्ड वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल. ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल नोट ये निकल के आया. ऑल द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कांट बी इरेशनल. एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट शुड बी इरेशनल. तो देखो, अगर कोई ट्राइंगल है और उसके तीनों वर्टाइसेज इरेशनल दे रखे हैं तो इक्विलैटरल कभी नहीं होगा. मतलब अगर ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है, और ये सारे वर्टाइसेज अगर रेशनल नंबर में प्रोवाइडेड हैं तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल नहीं हो सकता है. कारण तो देखो, क्लास टेंथ में तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था. तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला उस टेंथ वाले फॉर्मूले से, हाफ ऑफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री. ऐसे ये फॉर्मूला भी डिटेल से मैं आगे और डिस्कस करूँगा, बट इसको, इस रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए देखो यहाँ. तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं तो इनका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल होगा. तो ये एरिया का जो भी वैल्यू आएगा वो रेशनल आएगा. ठीक है, अब वापस से हम एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड लेंथ स्क्वायर आएगा. कोई भी एक साइड लेंथ निकाल लो, निकाला और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, होल स्क्वायर करने पर ये वैल्यू रेशनल आएगा और ये इरेशनल है तो ये इरेशनल हो जाएगा. मीन्स रेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू इरेशनल. गॉट इट? तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान में रखना. और ऐसे भी तुम देखो ना, यहाँ पर ट्राइंगल का दो वर्टेक्स दिया था, तीसरा वर्टेक्स में ये रूट थ्री इन्वॉल्व्ड है, मतलब इरेशनल वैल्यू आ रहा है. इस बात की गारंटी है जो कहीं ना कहीं एक जगह इरेशनल पक्का फंसेगा. ठीक है, ओके. तो चलो एक आध क्वेश्चन और बना डालो. फॉर एग्जाम्पल, लेट द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर बी थ्री कॉमा फोर एंड वन कॉमा माइनस वन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स Find the coordinates of the remaining angular points. ठीक है, तो देखो अब जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और इसके डायगोनल का ऑपोजिट पॉइंट दे दिया है थ्री कॉमा फोर वन कॉमा माइनस वन, और मुझे ये दो वर्टेक्स निकालना है. एक तो बेसिक है जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको एक्स और वाई ट्रीट करो एंड सो ऑन, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. मतलब तुम ऐसा समझो ना, राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल का दो वर्टेक्स दे दिया है और तुम्हें तीसरा वर्टेक्स निकालना है, इस तरह से कनेक्ट कर लो. तो
ये है एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, तो ये अभी जो प्रीवियस फॉर्मूला बताया था, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया है, तीसरा निकालना है। लगाओ ये फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस प्लस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टू, और वाई विल बी वाई वन प्लस वाई टू प्लस माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टू। अब ये डेटा फीड कर दो यहाँ पे, देखो एक वैल्यू 9/2 हाफ आ रहा होगा, दूसरा माइनस हाफ एंड 5/2 आ रहा होगा। तो इस तरह से देखो हमने क्विकली बाकी दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। तो अगर मुझे वर्टाइसेज दिया हुआ है ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, तो मैं साइड लेंथ निकाल सकता हूँ। तो ये एंगल ए है, तो इसके ऑपोजिट साइड को मैंने स्मॉल ए से इंडिकेट किया। स्मॉल ए इज नथिंग बट साइड लेंथ बी सी। ये एंगल बी है, तो इसके ऑपोजिट साइड लेंथ को मैंने स्मॉल बी से इंडिकेट किया। और ये एंगल सी है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड लेंथ है उसको मैंने रिलेट कर दिया स्मॉल सी से। स्मॉल ए बी सी यहाँ इंडिकेट कर रहा है साइड लेंथ। ट्राइंगल है तो तुम्हें मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल देखेंगे, तो साइन रूल क्या कहता है, ए बाय साइन ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ठीक है, सी बाय साइन सी इक्वल्स टू टू आर। अब यहाँ टू आर क्या होता है, ये अभी आगे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अगर इसके एंगुलर पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है तो उसे सर्कम सर्कल कहते हैं, और उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे आर सर्कम रेडियस कहला रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कम सर्कल एंड सर्कम रेडियस। व्हाट इज सर्कम सर्कल, तो व्हेन अ सर्कल पासिस थ्रू एंगुलर पॉइंट्स ऑफ या वर्टाइसेज ऑफ अ ट्राइंगल देन दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या किसको कहते हैं समझ में आया, सर्कम सेंटर किसे कहते हैं समझ में आया। सर्कम सेंटर को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन सर्कम सेंटर इन दिस मैनर ऑल्सो। सर्कम सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो देखो अब यहाँ ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर है एज वेल एज बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है एज वेल एज बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है एज वेल एज बाइसेक्टर है।
इनका मीटिंग पॉइंट सरकम सेंटर कहलाएगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? तो अगर सरकम सर्कल है तो उस सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर कहलाएगा। तो तुम खुद देखो, ट्रायंगल का साइड उस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करेगा। तो अगर ये सरकम सेंटर है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तुम बोल सकते हो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और मुझे ट्रायंगल का वर्टाइसेज दिया है तो वी कैन फाइंड सरकम सेंटर एज वेल एज सरकम रेडियस। तो पहले मुझे ये पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो भैया ओ से ए रेडियस कहलाएगा, ओ से बी रेडियस कहलाएगा, ओ से सी रेडियस कहलाएगा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर कर देना। एक बार ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर करोगे, यहाँ से एक इक्वेशन। एक बार ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर करना, यहाँ से एक और रिलेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना, यू विल गेट एक्स एंड वाई। जो एक्स एंड वाई आया वो सरकम सेंटर आया। एक बार सरकम सेंटर आ गया तो तीनों में से किसी एंगुलर पॉइंट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, ये जो लेंथ आएगा ये सरकम रेडियस आ जाएगा। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहा फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेज आर -2, -3, -1, 0 एंड 7, -6। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ सरकम सर्कल मतलब सरकम रेडियस निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे। तो हमें ट्राइंगल्स का एंगुलर पॉइंट प्रोवाइड कर दिया है, तो मैंने ए बी सी लिखा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ ये पॉइंट ओ या पी ले लो, एक्स कॉमा वाई, ए एज -2, -3, बी एज -1, 0 मान लिया, सी ले लिया 7, -6। एक बार पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दो, और एक बार पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही तुमने पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर किया, व्हाट यू विल गेट, एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, इसको ओपन करो, खोल दो और सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4, वाई स्क्वायर प्लस 6y + 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 2x + 6y, ये 13 है, ये कितना आ जाएगा 12। टू कॉमन ले लो, एक्स प्लस 3y + 6 = 0।
सिमिलरली पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर खोलो। तो जैसे ही पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो एक और मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो देखो वो कट पिट के तुम्हें कुछ ऐसा दे रहा होगा, 3x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। या चेक कर लो कैसे किस तरह का सिंबल आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 49, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस ऑफ 36। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 16x माइनस ऑफ 12y, ये कितना आ गया 48 प्लस 36, 4 कॉमन आ गया यहाँ से तो 4x माइनस 3y ये कितना आ गया 12 प्लस 9 21। इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो देखो x का वैल्यू 3 एंड y माइनस 3 आना चाहिए, आ रहा है यस। तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे ये आया, यही मेरा सर्कम सेंटर है। और जैसे ही सर्कम सेंटर पता चल गया 3, -3 ये लेंथ सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो सर्कम रेडियस कैपिटल R और कैपिटल R तुमने निकाला डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या निकल के आया 5 यूनिट्स। तो सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस क्या होता है क्लियर हो गया। तो अब देखो हम लोग बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग साइन ऑफ साइन रूल, ठीक है। तो देखो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल बेसिकली साइड्स और एंगल का एक रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में लैमिस थ्योरम में तुम लोग सीखेगा इसे। ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल का वर्टाइसेज है x1 y1 bx2 y2 cx3 y3, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सर्कम सेंटर है तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, क्लियर। अब ये एंगल ए है यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये एंगल 2a होगा, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ये पूरा साइड ए था तो बाइसेक्ट होने के बाद ये ए बाई टू बचा, ये सर्कम रेडियस आर है, ये एंगल ए था तो ये एंगल भी ए होगा। तो कम टू द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ डी बी टेक साइन ए, तो जैसे ही साइन ए लिया तो क्या आएगा ए बाई टू अपॉन आर, तो साइन ए इज ए बाई टू आर। व्हाट इट मीन्स 2r equals to small a upon sin a। तो अगर मुझे एक साइड लेंथ दे दिया और एंगल a दे दिया और कुछ नहीं दिया है तब भी हम सर्कम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, डैट साइड लेंथ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डैट एंगल, तो 2r equals to a by sin a। इन सिमिलर मैनर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल b हो जाएगा। यहाँ से तुम प्रूफ कर लोगे b बाय साइन b, सिमिलरली यू कैन प्रूफ 2r इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। सो वी कैन कंक्लूड a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
नाउ कम टू कोसाइन रूल. देखो इन सब का फ्रीक्वेंटली यूज होगा आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या कहता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में तो कॉस थीटा तुमने पढ़ा है, बट साइन थीटा या कॉस थीटा लगाने के लिए ट्राइंगल का राइट एंगल होना ज़रूरी है. बट अब यहाँ कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में कॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे. मान लो ट्राइंगल का वर्टाइसिस दिया हुआ है ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से ए बी सी निकाल लूँ. ए स्मॉल ए इज साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, बी मैंने कैलकुलेट किया, सिमिलरली सी कैलकुलेट करो. तो देखो कॉस क्या कहता है, कॉस ये कहता है जो कॉस ऑफ एंगल ए, एंगल ए से अटैच कौन सा साइड है, एंगल ए का आजू बाजू का साइड ए सी एंड ए बी, तो मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट में क्या है बी सी, दिस बाई टू बी सी दिस गिव्स यू कॉस ऑफ ए. कॉस बी लिखना है तो एंगल बी से अटैच आजू बाजू का साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपोजिट में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए सी. कॉस सी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी. ठीक है यहाँ तक. तो अब देखो तो ये रिजल्ट आया कैसे, तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड ए है ये बी है ये सी है. मैंने क्या किया, ए से इस पे एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस लेंथ को मैंने मान लिया से एच, इस लेंथ को मैंने माना एक्स, तो ये लेंथ ए माइनस एक्स होगा. अब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल बी है. तो अब देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी कैन बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ कोर्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. एंड कैन आई राइट कॉस बी, कॉस बी कितना आएगा स्मॉल एक्स बाय सी, एक्स इक्वल्स टू सी कॉस बी. ठीक है. नाउ कम टू द राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. ए डी क्या लिखोगे अब यहाँ, ए टू डी एच स्क्वायर, डी सी क्या लिखोगे ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर. ओपन दिस, दिस गिव्स यू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन वन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन आई राइट दिस एज सी स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन वन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स कैन आई राइट सी कॉस बी. क्या मैं अब यहाँ से कॉस बी निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ. कॉस बी विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए सी. इस तरह से हम लोग कॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो ये कॉस कोसाइन रूल या साइन रूल इन सब का रोल क्या है. तो जैसे बहुत बार ट्राइंगल में वर्टाइसिस दे दिया और पूछा इसका नेचर बताओ, राइट एंगल्ड है कि एसोसेलस है, उसी तरह तुमसे पूछ दिया बताओ ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
वो जो वर्टाइसेज आर मान लो A0, 1, B3, 5, एंड C9, -11। तो मान लो ट्राइंगल का वर्टाइसेज दे दिया है और इस ट्राइंगल की कुंडली पूछा है, नेचर। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस निकाला। तो ए बी डिस्टेंस निकालो, 3 -0² 5 -1² सिंप्लीफाई किया, 5 आया। बी सी लेंथ निकाला, 9 -3 -11 -5 -16² 292 आया। सिमिलरली ए सी लेंथ निकाला, देखो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी ट्राइंगल स्केलिन है। अब तुमसे पूछा बताओ एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। इसमें सबसे बड़ा साइड बी सी, सबसे बड़े साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एंगल ढूंढ लिया, एंगल ए इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि हेयर ग्रेटेस्ट साइड इज बी सी, सो ग्रेटेस्ट एंगल विल बी तो ग्रेटेस्ट एंगल में कोसाइन रूल लगा के देखते हैं। कॉस ए कैलकुलेट किया, फॉर्मूला क्या कहता है कॉस ए का, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए सी। तो 5² प्लस 15² माइनस 292 अपॉन 2 × 5 × 15, वैल्यू स्मॉलर देन 0 आया। अब तुम ये देखो कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसका मतलब ये एंगल पक्का ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो हम ये बोल सकते हैं दिस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और ट्राई करो। करा है इफ द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड बी सी कॉमा डी सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करो, दैट इज ओ ए इंटू ओ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी, ठीक है। वेरी काफ़ी सिंपल है। मान लो ये पॉइंट है ए कॉमा बी, ये पॉइंट है सी कॉमा डी, यहाँ मैंने ओरिजिन लिया 0 0, इसको जॉइन कर दो, ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये एंगल उसने बोला है थीटा, तो मैं कोसाइन फार्मूला यूज करूँ, बट उसके पहले डिस्टेंस फार्मूला से ओ ए निकालो। ओ ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर विल बी
ए माइनस सी स्क्वायर बी माइनस डी स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इंटू ओ बी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 OA OB। अब ये वैल्यू सिंप्लीफाई करो, देखो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक।